Dear students, assalamu alaikum. I hope you all are fine. हम लोग method number one यानी substitution method पढ़ चुके हैं और अब हम start कर रहे हैं एक और method जिसका नाम है equal coefficient method. तो आइए इस पे जरा working करते हैं और इसको समझते हैं कि ये method किन कंडीशंस में अप्लाई हो सकता है और ये सब्स्टिट्यूशन से किस तरह डिफरेंट हुआ. वैल्यू ऑफ अननोन बाय यूजिंग इक्वल कोएफिशिएंट मेथड. जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने मुख्तलिफ एग्जांपल सॉल्व की और फिर बाद में आपको असाइनमेंट दिया, इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे इक्वल कोएफिशिएंट मेथड. इक्वल कोएफिशिएंट मेथड को एक और नाम से कॉल किया जाता है, वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड. तो याद रखिएगा. आइए एग्जाम्पल नंबर वन शुरू करते हैं. ये एक सवाल है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 19. इसकी शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने शुरू किया था, यानी दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन है इक्वेशन में, दोनों तरफ इक्वल टू के उल्टे हाथ पर x के नीचे x और y के नीचे y होगा और इक्वल टू के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए. एक जो बात मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले में थोड़ा सा चेंज किया है, जिस अल्फाबेट के साथ कोई नंबर ना हो वहां वन लगा दीजिए. ये काम आप सब्स्टिट्यूशन में भी कर सकते हैं. जिस अल्फाबेट के साथ कुछ ना हो वन लगा दे, यहां वन लगा, यहां वन लगा, यहां और यहां, यानी ये वन इस एक्स वाई से जुड़ा हुआ है और जुड़े होने का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कोफिशियंट है. जब आपने ये बात कंफर्म कर ली कि एक्स के नीचे एक्स और वाई के नीचे वाई है और नंबर के नीचे नंबर है सीधे हाथ पे, तो अब सवाल कैसे शुरू होगा. मैं यहाँ पे बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन की तरह एक्स का अल्फाबेट चूज करूंगा, ठीक है. तो चूज करने का मतलब है उसे इलिमिनेट करेंगे. अब होगा क्या, इस सवाल को वापस रिकॉपी करेंगे और दोनों इक्वेशंस में जो ऊपर से रिकॉपी की गई है उस पर दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक ब्रैकेट लगा देंगे. क्योंकि हमने x को चूज किया है, x के साथ वाला नंबर जो है ऊपर वाली इक्वेशन है वन, वो नीचे की तरफ बाहर आएगा और इस x के साथ जो भी नंबर होगा वो ऊपर की तरफ बाहर आएगा. रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये. x के साथ यहां जो नंबर लगा हुआ है वन या जो भी नंबर लगा हुआ है वो नीचे वाली इक्वेशन के बाहर आएगा ब्रैकेट से, और नीचे जो x के साथ लगा है वो ऊपर वाले इक्वेशन के ब्रैकेट से बाहर आएगा. और फिर हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे जो सॉल्व करने में मददगार साबित होगी. अब ब्रैकेट खुलेगा, वन इन सब नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, वन वन सा वन, या आगे एक्स वन लिखने की जरूरत नहीं है, वन वन सा वन वन वाई एंड वन नाइन सा नाइन नाइन, इसलिए नीचे भी वन वन सा वन वन लिखने की जरूरत नहीं है, वन वन सा वन माइनस वन इज इक्वल टू 19. यानी कि बाहर लिखे हुए नंबर अंदर लिखे हुए हर नंबरों से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. फिर ये जो कुछ नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 19, इसका हम नीचे का साइन चेंज करेंगे. ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है. इस तरह ये बन जाएगा प्लस एक्स और हम नया साइन के मुताबिक ये होगा माइनस एक्स. तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम प्लस वाई प्लस वाई, यानी प्लस वन वाई प्लस वन वाई, ये हो जाएगा टू वाई एंड नाइन माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 10. फिर ये टू वाई से मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और वाई की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी. इस माइनस 5 को मैं इक्वेशन ए या बी में y की जगह रखूंगा, जैसे मैं इक्वेशन वन में वहां माइनस 5 रख देता हूं. जब ये माइनस 5 सीधे हाथ पर जाएगा तो 9 प्लस 5 यानी 14 हो जाएगा. इस तरह x की वैल्यू यहां पर 14 आ जाएगी. आइए एक और एग्जांपल करते हैं. अब सवाल है 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, ये हो गई इक्वेशन है. इक्वेशन का नाम लिखना बहुत जरूरी है, 1x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 8, ये हो गई इक्वेशन बी. बिल्कुल इसी तरह इक्वल टू के उल्टे हाथ पर, इक्वल टू के उल्टे हाथ पर x के नीचे x, y के नीचे y होना चाहिए और इक्वल टू के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ठीक है. अब वैसे ही x के साथ कुछ नहीं तो वन लगा दिया, यहां मैं दोबारा x को चूज करूंगा. दोबारा इन दोनों इक्वेशन को कॉपी किया जाएगा, इन दोनों इक्वेशन के शुरू में और आखिर तक दोनों में ब्रैकेट लगाया जाएगा. x के साथ जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे बाहर आएगा और x के साथ जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ बाहर आएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा. फिर ये बाहर वाले नंबर अंदर ब्रैकेट खोलेंगे, 1 2 सा 2x माइनस 1 3 सा 3 एंड 1 माइनस 8 सा माइनस 8. एक बात याद रखिएगा, जब ब्रैकेट खुलता है तो पहले दो चीजों का साइन मल्टीप्लाई होता है फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है. तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगा और फिर नंबर मल्टीप्लाई होगा.
सेम यहां पे 2 1s आर 2x प्लस 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 2 5s आर 10 प्लस माइनस माइनस 2 8s आर 16. बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह नीचे वालों का साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस एंड माइनस से प्लस. ये हो जाएगा 2x और नए साइन के मुताबिक ये हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि जैसे साइन चेंज होता है फिर वो साइन इन्वॉल्व होता है. 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y एंड माइनस 10y माइनस 13y माइनस 8 प्लस 16 दिस टाइम प्लस 8, फिर माइनस 30 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 0.615. ये 13 के साथ माइनस था लेकिन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अब इस y की वैल्यू कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा ऑल द टाइम, जो एक अहम बात मैं कहता हूं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन ए या बी में y की जगह रख दे. मैं यहां पे y की जगह रख देता हूं, ठीक है, और 2x इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस 3y वहां चला गया तो हो गया प्लस 3, और ये y की वैल्यू 3 माइनस 0.615 से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा माइनस 8 में सॉल्व हो जाएगा, और आपका इसके साथ ही 2 नीचे आके डिवाइड होगा और x की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड आउट हो जाएगी. इस मेथड को बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है. इनफैक्ट एक बात बता दूं जिससे पहले ही बोली थी, लाजमी तौर पे आप वीडियोस को ब्रेक करके देखें. पहली एग्जांपल जो की है बिल्कुल जैसे सब्स्टिट्यूशन में किया था, एटलीस्ट 2 से 3 मरतब वीडियो रोक रोक के देखें. ये वीडियो देखने का तरीका है. इस तरह इक्वेशन 2 में भी यानी क्वेश्चन 2 में भी आप वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा. और ये था इक्वल कोएफिशिएंट मेथड, और इसके साथ ही हमारी जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज आएगी इक्वल कोएफिशिएंट मेथड की. एक्सरसाइज मैं डायरेक्टली अलग से अपलोड भी कर दूंगा और मैंने आपको ये साथ इधर भी दे दिए. आप यहाँ पे रोकिएगा वीडियो, ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी कीजिएगा और कॉपी करके फिर इसको सॉल्व कीजिएगा. याद रहे आपको जो वीडियो में मैंने 2 सवाल अभी दिए हैं बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन की तरह, वो भी कॉपी पे करना कंपलसरी है. इस तरह ये तीनों सवाल भी आप कॉपी पे करेंगे और कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ठीक है. सिंपल कैलकुलेटर अलाउ करने की कोशिश कीजिए, यूज करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि साइंटिफिक आपको 8 के लेवल पे और इवन के 9-10 के लेवल पे भी अलाउ नहीं है, ठीक है. तो उसको रोकिएगा, क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, और वीडियो के क्वेश्चन जरूर कॉपी कीजिएगा अपनी कॉपी में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कॉपीज किसी और भी मंगाई जा सकती है. ये था मेथड नंबर 2 जिसे कहते हैं इक्वल कोएफिशिएंट मेथड, या इसका दूसरा नाम है इलिमिनेशन मेथड. इसके बाद हमारे कुछ स्पेशल वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका रूल ये होगा कि आपको जो मेथड भी सही लग रहा हो इन दोनों में, जो भी आसान लग रहा हो, आप वो उन वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं जिनकी तादाद 4 होगी, 3 या 4 होगी, ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली पेरेंट्स का. और इसके साथ ही दूसरा और आखिरी मेथड फिनिश हुआ, फिनिश ऑफ हो गया. प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कीजिए, कॉपीज कह चुका हूं, किसी वक्त भी मंगाई जा सकती है, सारा काम अपडेट रखिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.